आपने कभी यह सोचा है कि सभी इंसान बाहरी तौर पर तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो फिर एक लेवल पर सभी इंसान की कैपेसिटीज अलग क्यों होती है? एक इंसान दूसरे इंसान से ज्यादा टैलेंटेड क्यों है? कोई इंसान बहुत अच्छा गा सकता है, फिर कोई दूसरा इंसान इतना ही अच्छा क्यों नहीं गा सकता? इसके पीछे कौन सी वजह होगी? क्या इंसान के शरीर में ऐसी कोई रहस्यमय शक्तियाँ होती है जो अगर किसी इंसान के अंदर जाग जाए तो किसी आम इंसान को खास बना देती है? और अगर ऐसी शक्ति हमारे अंदर है तो कहाँ है, हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? यही सब जानने के लिए इंसान ने अपने शरीर के अंदर की इस ताकत को पहचानने की कोशिश की थी, और उसको जो महत्वपूर्ण क्लू हाथ लगे थे उसने उसी के बेज पर इस कुंडलिनी शक्ति का पूरा साइंस खड़ा किया था। और अगर इसे साइंस कहा जाए तो इसका मतलब साफ ही है कि एक सही तरीके से अगर काम किया जाए तो कोई भी इंसान अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। लेकिन बिना नॉलेज के यह आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आपको सही मार्गदर्शक यानी गुरु की आवश्यकता होगी। दुनिया के लगभग हर धर्म ने इस रहस्य को अपने अपने तरीके से समझाया है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो कथाएं हम सुनते हैं उसके दो अर्थ होते हैं, एक जो हम समझते हैं एक स्टोरी की तरह, फिर चाहे रियल या फेक, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है दूसरा अर्थ जो हमारे अंदर छिपे इन्हीं रहस्यों के बारे में बताते हैं। हमारे शरीर में एक एनर्जी होती है जो इस तरह से सोई रहती है जैसे कोई सांप कुंडली मारकर सो रहा हो, इसीलिए इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति का असीमित भंडार होता है जिसे जागृत करने के बाद इंसान के पास कुछ खास सुपर पावर्स आ जाती है, और स्पिरिचुअल लोग इसी की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और जब यह शक्ति जागती है तो इस तरह से उठती है जैसे दो सांप आपस में लिपटे हो, और जहाँ जहाँ ये दो सांप आपस में लिपटे हैं वहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको चक्र कहा जाता है। इंसान के शरीर में इस तरह से 7 मेन पॉइंट्स बनते हैं और इसे ही 7 चक्राज कहा जाता है। जो लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को नीचे के चक्र से ऊपर के चक्र में पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं उसके पास असीमित पावर्स आ जाती है। यह 7 चक्र एक तरह से पहचान भी है कि आपकी कुंडलिनी अभी किस चक्र तक पहुंची है, और यह चक्र एनर्जी के लीक पॉइंट्स भी है, क्योंकि जिस चक्र पर आपकी एनर्जी सोख ली जाती है उसी चक्र के जैसी आपकी मानसिकता होती है। चक्राज की अलग अलग खासियत होती है, हर चक्र पर आपको नए नए एहसास होते हैं। ये तो थी कुंडलिनी की बेसिक जानकारी, लेकिन यह 7 चक्र क्या है, इनकी क्या खासियतें होती है, कब और कैसे इन चक्रों का प्रयोग इंसान खुद के या दूसरों के लिए करता है, और कौन से चक्र पर आपकी एनर्जी अभी पहुंच चुकी है, इसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इस शक्ति का पूरा कॉन्सेप्ट छोटे से छोटे पहलुओं को वीडियो की इस सीरीज में हम जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।